अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सब लोगों का। और ये देखें जी, आमना जो है आज बना रही है चावल पहली बार, और मैंने सोचा कि थोड़ी सी उसकी वीडियो बना लूं, थोड़ी सी यादगार हो जाएगी। पहली दफ़ा वो कुकिंग आ रही है, और वैसे भी उसको चावल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए काफ़ी दिन से जो है मुझे कह रही थी कि मामा मुझे चावल बनाने सिखा दें। और साथ साथ जो है उसको बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। और दूसरी तरफ जो है मैंने आयरन लगाई हुई थी, अपने और फानी के कुछ कपड़े जो हैं वो आयरन करने थे, वो कर रही थी। और साथ साथ जो है मैं उसको बता भी रही थी कि किस तरह से चावल बनाने हैं। तकरीबन एक कप के करीब ही जो है मैंने पहली दफ़ा उसको डाल के दिए हैं, चलो ये बना लो कि तुम्हारा शौक़ भी पूरा हो जाए। और वैसे उसको चावल पसंद है, इसलिए काफ़ी दिन से कह रही थी कि मम्मा मैंने चावल बनाना सीखने हैं। और वैसे भी जो है एग्ज़ाम जो है उसके हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आ गया, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे नंबर लेके वो पास हुई है, सेकंड पोजीशन ली है उसने, और नंबर जो है वो भी काफ़ी अच्छे लिए हैं। इसलिए अभी कुछ दिन जो है उसके पास हैं, अभी टाइम है जो है छुट्टियाँ हैं कुछ दिन के लिए, और मेरे साथ थोड़ा बहुत काम वगैरह भी करवाती है, और साथ साथ जो है उसको कुकिंग का शौक़ जो है वो भी और है। मैंने सोचा चलो ठीक है तुम बनाओ और मैं जो है साथ साथ जो है अपने कपड़े आयरन कर लूं, और एक दो जोड़े जो है वो आयरन करके रखती हूँ, ताकि जब बिजली वगैरह जो है ज़्यादातर जाती है तो एकदम से अगर कहीं जाना पड़ जाए तो कपड़े वगैरह जो है वो इस्त्री होने चाहिए। और साथ साथ जो है उसको भी बता रही थी, और साथ जो आके वो कपड़े जो है वो भी आयरन कर रही थी। और उसके बाद चावल वगैरह जो है उसने बना दिए, अपने बाबा को उसने खिलाए हैं और उन्हें काफ़ी पसंद भी आए हैं। और उसके थोड़ी देर बाद जो है मैंने खाना वगैरह बनाया था वो बच्चों को दिए, और अभी ये शाम का टाइम है, और आजकल जो है मैंगो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, और मैंने सोचा कि बच्चों को जो है मिल्क शेक बना के दूँ, और इसलिए जो है आम मैं उनको काट के मैं रख रही हूँ, और बच्चों को जो है अभी मिल्क शेक बना के दूंगी। और वैसे भी बच्चे आम जो है इस तरह से इतने शौक से खाते नहीं हैं, और मिल्क शेक बना दूं तो इस तरह ये है कि बच्चे जो है एक तो दूध भी पी लेते हैं, और दूसरा जो है आम भी साथ खाया जाता है, इसलिए बच्चों को मिल्क शेक बना के जो है शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मिल्क शेक जो है वो बना के दूँ। जी मिल्क शेक जो है वो मैंने तैयार कर ली है, अभी जो है इनके बाबा को दे के आई हूँ, और अभी अपने लिए और अहमद के लिए डाल रही हूँ, और आमना के लिए जो है अलहदा कप डालती हैं वो उसी में ही पीती है, और अभी ये बच्चों को दूंगी, और इसके बाद जो है बच्चों को थोड़ी देर के बाद खाना दूंगी। और बच्चे इस वक्त जो है वो बैठे हुए कमरे में टीवी देख रहे हैं, अहमद के जो है एग्ज़ाम वो अभी हो रहे हैं, एक पेपर जो है उसका, और बाकी जो है अभी रहते हैं, अभी एक दिन पहले उसके पेपर जो है वो स्टार्ट हुए हैं, और थोड़ी देर पहले उसको मैंने शेक बना के दिए कि थोड़ी देर बैठो रेस्ट करो और टीवी देखो थोड़ी देर के लिए। और उनको देने के बाद अभी मैं आई हूँ किचन में दोबारा, ये बर्तन जो है वो मैंने
वॉश करके रखे हैं थोड़ी देर पहले, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और अभी मैंने लॉन्ड्री करनी थी आज, कपड़े जो हैं वो धोने थे, एक तो बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो उतारी थी, और दूसरे जो हैं इनके बाबा के कपड़े थे वो सोच रही थी कि वो धो लूँ। और अभी सारे कमरों में देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े जो हैं वो धोने वाले हैं, वो इकट्ठा करके रख रही थी, और साथ के साथ जो है मशीन में पानी भी डाल रही हूँ ताकि सुबह सुबह ही लगा लूँ, ताकि बिजली का जो है मसला हो जाता है। और बिजली की बात मैं जो कर ही रही थी तो साथ ही जो है लाइट चली गई, और उसके बाद जो है पानी वगैरह है मैंने डाल के रख दी है थोड़ी देर के लिए, देखूँगी अगर लाइट आ गई तो फिर इंशाल्लाह वॉश करूँगी। और अभी कमरे में आ गई हूँ, सोच रही थी कि झाड़ू लगा रूँ जब तक बिजली आती है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।